नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज हम आपको ऐसी पांच बातें बताने वाले हैं, यदि आप इन पांच बातों को फॉलो करते हैं तो आपके परिवार में कभी भी किसी भी प्रकार का कलह उत्पन्न नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, अपनी औरत को संतुष्ट करने के लिए अपनाए कुत्ते के ये पांच गुण। जो मनुष्य कुत्ते के ये पांच गुण सीख लेता है उसके परिवार में कभी भी किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और उनका जीवन बड़ा सुखमय ही होता है। औरत को संतुष्ट करने के लिए अपनाए कुत्ते के ये पांच गुण। प्रिय दर्शकों, यदि आप आज की इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि कुत्ते में ऐसे कौन से पांच गुण होते हैं जो मनुष्य के लिए भी बड़े लाभदायक होते हैं। दर्शकों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, आचार्य चाणक्य के नीति शास्त्रों को मनुष्य के जीवन के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। इसमें आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के जीवन के लिए कई ऐसे कर्म बताए हैं जिन्हें समझकर कोई भी व्यक्ति बड़े आसानी से अपने जीवन को सुखमय और सफल बना सकता है। प्रिय दर्शकों, नीति शास्त्र में पुरुषों से जुड़े गुणों का जिक्र करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी भी आचार्य या किसी भी व्यक्ति में या किसी भी पुरुष में कुत्ते के ये पांच गुण आ जाए तो उससे उसकी स्त्री हमेशा संतुष्ट रहती है और उसके परिवार में कभी भी किसी भी प्रकार का कलह उत्पन्न नहीं होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर कुत्ते के पांच गुण एक पुरुष में हो तो उसकी स्त्री हमेशा संतुष्ट रहती है। ऐसे गुणों वाला पुरुष परिवार में खुशी को बनाए रखता है और उनका परिवार बड़ा प्रसन्न रहता है। प्रिय दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं कि वो ऐसे कौन कौन से पांच गुण हैं जो हर मर्द को काबिलियत बना देते हैं, हर पुरुष को काबिलियत बना देते हैं। प्रिय दर्शकों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पुरुष को यथाशक्ति परिश्रम करना चाहिए और उससे जो धन या फल मिले उसमें संतुष्ट व खुश रहना चाहिए। जिस तरीके से एक कुत्ते को जितना भोजन मिलता है वो उसी में ही संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह पुरुषों को मेहनत से जो अर्जित धन मिलता है उसमें ही परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। जिन पुरुषों में ये गुण होता है वो सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। अब आता है प्रिय दर्शकों दूसरा गुण। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस तरह से कुत्ता गहरी नींद के होने के बाद भी सतर्क रहता है वैसे ही पुरुषों को भी हमेशा अपने परिवार अपने स्त्री के कर्तव्य को लेकर हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए शत्रुओं से सदा सावधान रहना चाहिए। चाहे आप कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना हो, हल्की आहट पर ही आपको जाग जाना चाहिए। ये गुण हर मनुष्य में होना चाहिए। ऐसे गुण वाले पुरुषों से उनकी पत्नियां हमेशा खुश रहती है। प्रिय दर्शकों, अब आता है कुत्ते का वो तीसरा गुण। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह कुत्ते की वफादारी पर कोई भी शक नहीं करता है उसी तरह पुरुषों को
अपनी पत्नी व कार्य के प्रति हमेशा वफादार होना चाहिए। जो पुरुष अनजान महिलाओं को देखकर भी ललायित हो जाता है, उसके घर में कलह बनी रहती है। ऐसे पुरुषों से स्त्री कभी भी खुश नहीं रहती है, क्योंकि पत्नी अपने पति की वफादारी से ही आनंदित रहती है। हर स्त्री ये चाहती है कि उसका पति सिर्फ उसका रहे। प्रिय दर्शकों, जो मर्द अपनी पत्नी की इन भावनाओं को समझ जाता है, उसके परिवार में कभी भी कलह उत्पन्न नहीं होता है और पति पत्नी में सदा प्रेम बना रहता है। प्रिय दर्शकों, अब आता है कुत्ते का वो चौथा गुण। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुत्ता निडर प्राणी होता है। जिस तरह से वे अपने मालिक की रक्षा के लिए अपनी जान तक गंवा सकता है, ठीक उसी तरह पुरुषों को भी वीर होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर अपनी पत्नी और अपने परिवार के लिए अपनी जान को दांव पर लगाने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसे पुरुषों से उनकी पत्नियां बेहद खुश रहती हैं, बेहद संतुष्ट रहती हैं। आचार्य चाणक्य नीति के अनुसार ये गुण हर उस मर्द में होना चाहिए प्रिय दर्शकों, अब आता है पांचवा कुत्ते का गुण। प्रिय दर्शकों, अब आता है पांचवा और आखिरी कुत्ते का गुण। प्रिय दर्शकों, अब आता है कुत्ते का पांचवी और आखिरी गुण। आचार्य चाणक्य के अनुसार पुरुष का पहला दायित्व होता है कि अपनी पत्नी को हर तरह से संतुष्ट रखना। जो पुरुष शारीरिक और मानसिक रूप से अपनी पत्नी को संतुष्ट रखते हैं, उनकी पत्नी हमेशा खुश रहती है। ऐसा करने वाला पुरुष हमेशा अपनी पत्नी का प्रिय बना रहता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहता है, यश वैभव की प्राप्ति चाहता है, तो इन पांच गुणों को जरूर अपना ले। जो बंदा इन पांच गुणों को फॉलो करता है और इन पांच गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहती है, कभी भी किसी भी प्रकार का कलह उत्पन्न नहीं होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस घर में पति पत्नी में आए दिन झगड़े होते रहते हैं, जिन पति पत्नियों में आपस में कभी नहीं बनती है, उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। और जिस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है, वो घर गरीबी और दुख पीड़ा से जकड़ा रहता है। उस घर में कभी भी माँ अन्नपूर्णा का वास नहीं होता है। उस घर में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बना रहता है। उस घर में ए लक्ष्मी का आगमन होता है, माँ लक्ष्मी का नहीं। इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर मनुष्य को कुत्ते के इन पांच गुणों को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए, अपने पल्ले गांठ बांध लेना चाहिए, ताकि वक्त आने पर आपको ये गुण काम आए। प्रिय दर्शकों, आज का प्रसंग यह समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।